एनर्जी मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर, ईडी एचआर होश, ईडी एचआर होश में आके, होश में आके, होश में आके, होश में आके, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, नहीं तो तुमको होगा, नहीं तो तुमको होगा, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। संयुक्त कृति समिति का, संयुक्त कृति समिति का। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हर एक के मोबाइल में एक मैसेज आ रहा था कि अगले 3 दिन बिजली कर्मचारी हड़ताल पे जाने वाले हैं, पब्लिक को बड़ी समस्याएं होने वाली है। कोई किस तरह से आह्वान कर रहा था, कोई किस तरह से आह्वान कर रहा था, लोग बोल रहे थे पानी भर के रखिए, कोई बोलता है अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए। तो वही आज पहला दिन है, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर है और हम वसई के, इस समय वसई के ईस्ट में बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय में खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे हड़ताल करने वाले MSEB कर्मचारी है। अब ये हड़ताल क्यों की गई, सबसे अहम पॉइंट ये, सबसे अहम बिंदु ये, तो आपको बता दें इस देश में एक ट्रेंड चल रहा है। सरकार जो है हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है, हर चीज़ को अपने कुछ लोगों को बेच रही है। तो बिजली विभाग भी आने वाले कुछ समय में प्राइवेट लोगों के हाथ में जाने वाला है। कल को अडानी के हाथ में चला जाए, टाटा पावर के हाथ में चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसी से रोकने के लिए ये बिजली कर्मचारी आज एक बड़ा आंदोलन यहाँ कर रहे हैं। 3 दिन का इन्होंने बंद बुलाया है और ये बंद सिर्फ वसई के लेवल पर नहीं, महाराष्ट्र के लेवल पर कृति समिति द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं। हमने यहाँ भी इन कर्मचारियों से बात की, अधिकारियों से बात की, इनके जो सदस्य हैं उनको पूछा कि आप जिस तरह से ये बंद बुला रहे हो, तो इस बंद को बुलाने से, अचानक से बुलाया गया बंद, क्या जनता को तकलीफ नहीं होगी? तो उनका ये कहना था कि अचानक से बुलाया हुआ बंद नहीं है, क्योंकि सरकार को समय समय पर हमने कल्पना दी है, समय समय पर हमने कहा है कि आप जो अपना कदम उठा रहे हो वो कदम कहीं पर भी मान्य नहीं है, आप उससे पीछे हटिए, नहीं तो हम अपने काम से जाएंगे। और इतना ही नहीं, अभी 3 दिन का बंद इन्होंने बुलाया है और इस 3 दिन में अगर इनका ऐसा कहना है कि कोई हल नहीं निकलता है, तो 18 तारीख से बेमुद्दत बंद ये लोग बुलाने वाले हैं। और तब हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी, जब सैकड़ों कर्मचारी अपने काम से अगर छुट्टी पर होंगे, तब जनता को क्या तकलीफ हो सकती है, इसकी कल्पना करना ही एक काफ़ी भयानक सा लगता है। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि सरकार, जो कि शायद अब तक तो किसका सुनता आई नहीं है, इनका सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या इसका कोई ऐसा रास्ता निकलेगा? इसके पहले की चीज़ें प्राइवेट हो चुकी है, यहाँ लोग बार बार एक ही उदाहरण जियो का उदाहरण दे रहे कि जियो में किस तरह से लोगों की आदत डाली गई, फ्री का जियो सिम बांटा गया और आज 700 रुपया वसूला जा रहा है। तो वैसे ही आने वाले समय में बिजली विभाग को अगर प्राइवेट कर दिया गया तो आज 3 रुपया यूनिट है वो 15 रुपया यूनिट भी हो सकता है। इसी पर ये बंद आधारित है। देखिए इस बंद से जुड़ी हमारी कवरेज को, अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय तिड़के है। आज आपने ये जो बंद बुलाया है, 3 दिवसीय बंद है। जी हाँ। इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे मकसद क्या है? आज का जो ये बंद पुकारा गया है, इसका उद्देश्य एक ही है कि यह जो उद्योग है, यह सार्वजनिक उद्योग है और कोई भी सार्वजनिक उद्योग, इसको बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसी माध्यम से कि ये जो लोगों का पैसा या जो भारत अपना महाराष्ट्र जनता का यह उद्योग है, ये बचाने के लिए आज हम ये संप जाहिर कर रहे हैं। ये संप से लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए जिम्मेदारी किसकी है? ये संप जो अचानक किया गया है या इस संप के पहले आपने शासन से कुछ? जी नहीं, यह संप अचानक नहीं किया गया है, इसकी पूरी रूपरेखा हमने 2 महीने पहले से ही इसको, क्योंकि यह एक संगठना कोई नहीं है इसमें, तो कृति समिति मिलकर ऐसा 31 संगठना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और पूरे महाराष्ट्र की जितनी भी महावितरण रहो, महापारेषण रहो या महानिर्मित रहो, तीनों कंपनियों की जितनी भी संगठनाएं, 30 संगठना इसमें शामिल है। और 2 महीने पहले ही यह नोटिस गवर्नमेंट को दिया गया था, उसने इस बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा अब तक की नहीं है। और अभी मैसेज आया है कि आज 2 बजे ऊर्जा मंत्री इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और हम यही चाहते हैं कि उनको सुबुद्धि आए और इसमें से कोई तो भी अच्छा मार्ग निकले, जो जनता का जो यह उद्योग है यह बचाया जाए। क्या लगता है महाराष्ट्र की भाजपा सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथ बेचने वाली है? निश्चित इसका
जो अभी जो चल रहा है इसका उद्देश्य वही पकड़ा जाए, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि एक उद्योग जब यहाँ से गुजरात गया तो इतना हाहाकार ये गवर्नमेंट कर रही थी, और अब ये अगर किसी प्राइवेट को देखकर और इसका जो प्रॉफिट है महाराष्ट्र का प्रॉफिट अगर और दूसरे राज्यों को जाता है तो ये तो खेदजनक बात है। महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या उद्देश्य देना है? महाराष्ट्र की जनता के लिए यही कहना है कि महाराष्ट्र की जनता को अब तक इस बारे में मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी दी गई है सिर्फ उतनी ही है, और यह जो उद्योग बचाने का एक ही उद्देश्य है कि जो महाराष्ट्र की जनता जो आज ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है उसको ये सब सुविधाएं हमेशा मिलती रहे, उसके लिए ही हम ये उद्योग बचाना चाहते हैं। ग्राहक जागो के लिए, ग्राहक जागो के लिए नारा दिया जाता है पूरे देश में कि सभी डिपार्टमेंट में या सभी जगहों पे ग्राहक जागो, तो एमएसएमई के हिसाब से ग्राहक जागो का क्या इशारा देना चाहते हैं? हम ग्राहक जागो से इसीलिए इशारा देना चाहते है कि इसका अगर डिटेल में अगर इसका स्टडी किया जाए तो कोई भी जो यह उद्योग लेना चाहता है खाजगीकरण है प्राइवेट वाला कोई भी कंपनी अगर इसमें शामिल होता है तो प्राइवेट हर किसी कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है, और अगर वो यह प्रॉफिट आज हमारा जो भांडो पावर जो न्यू बॉम्बे का जो एरिया देना चाहते हैं वो जबकि प्रॉफिट में ही है, प्रॉफिट क्षेत्र आप क्यों दे रहे हैं उस भांडोलशाही को? आपने जैसे अभी बताया कि 31 संगठन मिलके कर रहे हैं, तो कुल कितने सदस्य इन संगठन में प्रति समिति में है, और ये सब कहां कहां तक फैला हुआ है? यह पूरे महाराष्ट्र में चालू है इस समय, और इसमें एमएसबी का जितना भी स्टाफ है, एमएसबी मतलब महावितरण महापारेषण और महानिर्मिति, इसके जितने भी कर्मचारी है वो 100% इस सब में शामिल है। प्राइवेटाइजेशन के निश्चित ही बुरे परिणाम पहले भी देखे गए और आगे भी होंगे, लेकिन वो तब होगा जब होगा। आज आपके बंद की वजह से जनता जो प्रभावित है, 3 दिन का आपका बंद है, अगर कहीं इमरजेंसी होती है तो उसमें उस बंद के लिए उस जनता को होने वाली परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? वो उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, उन्होंने उनकी व्यवस्था की गई है, अभी तक ऐसा कोई अनहोनी घटना अभी तक घटी नहीं है, और हम नहीं चाहते कि जनता को इसके बारे में परेशानी हो। हमारा संप जनता के लिए ही है, अगर इसमें अगर जनता सफर हो रही है तो हम उनसे माफी मांगते हैं। जनता को आह्वान करना चाहेंगे इन्वॉल्व होने के लिए? जनता को यही आह्वान करना चाहिए कि जनता ने अभी फिलहाल में ही जियो का जो जिस प्रकार से ये चला, जो पहले फ्री में दिया बाद में जो रेट बढ़ाते आज 700 रुपये तक लेकर गए, आज कोई भी व्यक्ति बगैर मोबाइल के रह नहीं सकता है, क्योंकि कहीं पर भी जाता है तो उसको OTP के माध्यम के लिए क्या होना, लेकिन मोबाइल रखना जरूरी हो गया है। यानी जो रेट जो जीरो था, जीरो से आज 790 तक चले गया है रेट, यानी विचार करो 2 साल में अगर जीरो का 790 हो सकता है तो ये जो 3 रुपये का जो रेट है ये आगे चल के 1 साल में 15 रुपये और 20 रुपये हो सकता है। मेरा नाम दीपिका राठौर। संप या धरना, इसको जो भी बोला जाए, ये क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संप का या धरने का एक ही कारण है, निजीकरण करना और जनता को तकलीफ देना, इसका हम लोगों को कोई भी उद्देश्य नहीं है। आज अगर ये 3 दिन में आप लोग अंधेरे में जा रहे हैं तो आने वाला आपका भविष्य अंधेरे में नहीं जाएगा, इस चीज़ के लिए हम लोग ये धरना कर रहे हैं। आप सबको बस हमसे यही, सरकार को मेरा यही बोलना है कि आप जो जिस तरह से ये प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट कंपनी को ला करके ये सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आम जनता, हम जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी, ये सब सफ़र होने वाले हैं। अगर इन लोगों को आपके को थोड़ी सी भी चिंता है तो आप ये निजीकरण को रोकें, और ये कैसे रोकना है, क्या रोकना है, इसके लिए हम सब महावितरण के कर्मचारी आगे बढ़ेंगे, 72 घंटों का करेंगे। अगर ये नहीं समझ में आता है तो हम आने वाले 18 जनवरी से बेमुदत जो करेंगे उसके लिए भी सम किया जाएगा। मैडम, जो पब्लिक का क्या आह्वान करना चाहेंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक को बस ये बात समझना ज़रूरी है, हम जियो जैसे पहले अनलिमिटेड, लिमिटेड, फ्री, ऐसा कुछ भी कायदा यहाँ लगाने वाले हैं नहीं। आज जो गवर्नमेंट आपको पैसा खरीद करके जो खुद का लगाता है, पायाभूत सुविधा देता है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के फंड से किया जाता है। अगर ये प्राइवेट करने के लिए आपको दे देंगे और प्राइवेट को दे देंगे तो प्राइवेट ये खुद का महसूल बना करके आपके अगेंस्ट में यूज़ करेगा, और जो आज बिजली आपको 4 रुपये प्रति यूनिट के प्रमाण मिल रही है वो कल को 15 रुपये, कल को अनलिमिटेड, कभी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पब्लिक के हित की बात नहीं है, जनता इसमें सफर होगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।